तो हमने देखा कि जो सजीव होते हैं उनमें ये क्रियाएं अगर होती हैं, अगर वो श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं, तो चल फिर सकते हैं। तो अगर ये सब क्रियाएं होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस बाय लेमार्क एंड चार्मेनस। लिखा हुआ है कि जो बायोलॉजी शब्द है, क्या है? बायोलॉजी शब्द है, उसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क और चार्मेनस से। क्या किया था? बायोलॉजी वर्ड को क्या किया था? दिया था। उस शब्द को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। किसने? लेमार्क और चार्मेनस नामक वैज्ञानिक ने। फिर देखिए, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। तो ध्यान रखिए, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या मतलब हुआ? टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसको प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में डिफाइन किया कि जीवों का वर्गीकरण कैसा होगा। तो इन्होंने क्या किया? जीवों को दो भागों में विभाजित किया, पहले को प्लांट्स और दूसरे को एनिमल। मतलब पहले को पादप, दूसरे को जंतु। मतलब एनिमल में क्या किया इन्होंने? डिफाइन किया। तो किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया उसको दो भागों में किया, पादप और जंतु में। फिर देखते हैं इन्होंने क्या किया अपनी पुस्तक में, जीवधारियों को दो प्रकार से वर्गित किया, उनका जो नामकरण किया है वह दो प्रकार से, उस सिद्धांत को बोला है बायोनॉमियल नॉमिकल्चर्स, जीवधारियों की द्विनाम पद्धति। क्या बताया? जीवधारियों की द्विनाम पद्धति। तो यह जो शब्द होता है वह लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे? लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक का मतलब होता है जीनस, दूसरे का मतलब होता है स्पेसीज। एक का मतलब क्या होता है? जीनस। जीनस मतलब होता है वंश। क्या होता है? वंश। और दूसरे का मतलब होता है जाति, अर्थात जो भी जीव होते हैं वह वंश और जाति के अनुसार भी क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। तो फिर देखते हैं, समझ में आया? देखिए हमने कुछ यहाँ पे नाम लिया हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स के और उनके साइंटिफिक नेम है। तो क्या क्या नाम है? जैसे मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन मतलब आधुनिक मानव, जो आज का आधुनिक है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है यहाँ पे? जीनस है। क्या है उसका? जीनस है। और सेपियंस क्या है? उसकी स्पीसीज है, मतलब जाति है। ऐसे ही देखिए लायन का क्या है? पैंथीरा लियो। क्या है लायन का? पैंथीरा लियो। तो ऐसे ही फिर क्या है? बनायन ट्री। बनायन ट्री का क्या है? फिकस बेंगालिसस। फिकस बेंगालिसस ये क्या है? बनायन ट्री का साइंटिफिक नेम। बरगद क्या है? बरगद पेड़ का साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ यहाँ पे क्या है नाम दिए हुए साइंटिफिक नेम प्लांट्स और एनिमल्स के। फिर आइए देखते हैं, रॉबर्ट एच विटकर। क्या है? रॉबर्ट एच विटकर, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जीवों को पांच भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? पांच भागों में विभाजित किया है। कब? 1969 को। तो संपूर्ण जगत को इन्होंने पांच भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। पहला था किंगडम मुनेरा, जिसे बोलते हैं मुनेरा। मुनेरा क्या बोलेंगे इसको? मुनेरा जगत। क्या बोलेंगे? मुनेरा जगत। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से जीवधारी आते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। फिर देखिए अगला क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा, जिसका मतलब होता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में जैसे क्या? प्रोटोजोवा। क्या था? प्रोटोजोवा आता है। तो आइए इसको डिटेल से आगे डिस्कस करें, किस प्रकार के जीव होते हैं, एक कोश की होते हैं, बहु कोश की होते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर
फिर अगला किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी का मतलब होता है पादप जगत। तो इसमें वे जीव आते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, पादप से, मतलब पेड़ पौधों संबंधित होते हैं। छोटे भी जीव जो पादप के टाइप के होते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, शैवाल व्याल वो सभी जीव, तो ये सभी क्या होते हैं, इसमें आते हैं। फिर क्या है, किंगडम फंगी, क्या है, किंगडम फंगी। तो जो कवक जगत है, क्या है, कवक जगत, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, और भी चीजें हैं, तो ये सब क्या होते हैं, किंगडम फंगी के अंतर्गत आते हैं। फिर है किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया क्या है, जंतु जगत। जंतु जगत में सभी जीव आते हैं, छोटे बड़े जीव आते हैं, जो कि जंतु जगत में, जैसे हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, तो ये सभी चीजें बहुकोशिकी जो जीव है वो किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो इनके बारे में आगे बहुत ही विस्तार से डिस्कशन करेगा, कोई दिक्कत होती तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो आर रॉबर्ट एच वेटकर थे, उन्होंने 1969 में पूरे संपूर्ण प्राणी जगत को पांच वर्गों में क्या कर दिया, पांच वर्गीकी में क्या कर दिया, इन्होंने विभाजित कर दिया, ठीक है, समझ में आया। पहला क्या था, किंगडम मुनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, फिर एक किंगडम आपका क्या है, किंगडम यहाँ पे थे, तो क्या किया है, जो पांच प्राणी जगत में विभाजित कर दिया, किंगडम फंगी और किंगडम एनिमेलिया। तो आइए इनके विस्तार से डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर किंगडम मुनेरा, क्या आता है, किंगडम मुनेरा, अब इसके बारे में यहाँ देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो किंगडम मुनेरा होता है, इस जगत में, इस किंगडम में वे सभी जीव आते हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक तथा कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, क्या होता है, केंद्रक तथा कोशिका का अभाव होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है। तो किस कोशिका क्या है, किसकांग क्या है, कोशिका क्या है, ये सब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो किंगडम मुनेरा में अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो हमने प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, जो सेल होती है वो टू टाइप्स में डिवाइड होती है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक की बनी होती है वो किस में आते हैं, किंगडम मुनेरा में। और इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी किस में आता है, किंगडम मुनेरा में। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नीली हरित शैवाल जो होते हैं वो किस में आते हैं, किस जगत के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं किंगडम मुनेरा के। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब है कि प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखते हैं, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ। तो इसके अंतर्गत वो सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, अर्थात इनमें वो एक उसकी जीव है जो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ, डायटम आदि, ये सभी जीव किसके अंतर्गत आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत। फिर देखिए किंगडम प्लांटी, क्या दिया हुआ है, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनको देखते हैं। तो इस जगत में सेलुलोज की कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। क्या है इसका मतलब, इसके अंतर्गत सेलुलोज की जिनकी कोशिका भित्ति होती है उनसे जो बने जीव है बहुकोशिकी जीव है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात इट इंक्लूड्स आल मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब
बहुकोशिकी, ठीक है। और जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसाइज होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषित कोशिका, जो जीव क्या करते हैं प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। पादप जगत में जो भी क्या, वैसे तो सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं प्रकाश से, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, तो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये वो जीव होते हैं जो जिनकी कोशिका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर आ गया, जो कि उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं उत्पादक। तो सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं प्रथम उत्पादक होते हैं, मतलब कि ये सूर्य के प्रकाश से सनलाइट के प्रेजेंट में उस क्लोरोफिल नामक प्लास्टिड के उपस्थित में, स्टार्च की उपस्थित में स्टार्च का या फूड का निर्माण करते हैं, भोजन में स्टार्च का निर्माण करते हैं। फिर एग्जाम्पल में जैसे हैं ग्रीन ट्री ऑफ प्लांट, जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, मतलब अनावृत बीज और आवृत बीज वाले पौधे, अर्थात जिनमें बीज पाया जाता है, ठीक है, वो होते हैं आवृत बीजी, और जिनमें बीज नहीं पाया जाता है वो होते हैं अनावृत बीजी। ये पौधे जो शामिल होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात पादप जगत के अंदर आते हैं। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, और समझ में आए तो आप बताइए जरूर, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर ब्रायोफाइटा, फिर क्या होता है ब्रायोफाइटा, ये किससे संबंधित है, किंगडम प्लांटी से संबंधित है। फिर ट्राइडोफाइटा, तो ये सभी जो पादप जगत के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, छोटे सूक्ष्म जो भी समुद्रों में पाए जाते हैं, जो भी पादप पाए जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, आगे है किंगडम फंगी, क्या बच्चों किंगडम फंगी, किंगडम फंगी मतलब हुआ कवक जगत। तो इसमें वो सभी जीव आएंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, कवक से रिलेटेड होंगे। तो इसके अंतर्गत वे सभी यूकैरियोटिक, क्या होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होते हैं जीव होते हैं, जो परपोषित जीवधारी सम्मिलित, इसमें वो क्या होते हैं परपोषित जीवधारी सम्मिलित होते हैं, और ये क्या होते हैं विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी मतलब परपोषी मतलब होता है जो कि दूसरे शरीर में रह करके अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन इत्यादि की क्रियाएं करते हैं, वह बिना किसी दूसरे जीव के क्या रह सकते हैं जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसे जीव क्या कहा जाता है परपोषित जीव कहते हैं, अर्थात दूसरों के जीव से क्या करते हैं निर्भर होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि ये बहुकोश, सॉरी ये इनकी जो होती है कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किसकी बनी होती है बच्चों काइटिन की, जो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कवक जगत के जितने प्राणी होती है इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है काइटिन की। फिर इनका शरीर कवच तंतुओं का बना होता है, जो इनका शरीर होता है वह कवक तंतुओं का बना होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है यीस्ट है, मशरूम है, पेंसिलियम है, ये सभी जीव कवकों के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आया बच्चों इसके बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया, अभी सबसे बड़ा जगत होता है क्या है किंगडम एनिमेलिया, जो किंगडम एनिमेलिया है इसका मतलब क्या है जंतु जगत, जंतु जगत में सभी छोटे बड़े जीव क्या है सभी छोटे बड़े जीव आते हैं, जो क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं बच्चों बहुकोशिकीय जंतु संभोजी, होलोजाइक मतलब जंतु संभोजी, और सभी यूकैरियोटिक कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म,
कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि उपभोक्ता, वे सभी जीव जो क्या होते हैं उपभोक्ता होते हैं, मतलब जो पेड़ों से या कहीं अन्य जीवों से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सभी जीव किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत, जैसे ह्यूमंस है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है, कौन से भोजन बनाते हैं, तो इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, इनके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जितना होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, आगे के लेक्चर में उसके आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत आने वाले जीव क्या है, जैसे प्रोटोजोआ होता है वह किसके अंदर आता है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, आर्थ्रोपोडा है, ये सब क्या, पोरिफेरा क्या है, संघ है, क्या है, संघ है, फाइलम, फाइलम मतलब क्या होता है, संघ होता है, फिर क्या है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ, एनिलिडा संघ, तो जितने भी जंतु जगत के जीव हैं उनको क्या किया गया है, संघों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एनिलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा जैसे मकड़ी जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, एनिलिडा जैसे जोंक होती है जिन जिनका शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, और इनमें फ्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं बने, जैसे ये होता है क्या, केचुआ होता है, तो क्या होते हैं धारी धारी, ये क्या होते हैं ब्रेक ब्रेक करके क्या होते हैं जुड़े होते हैं। फिर सिलेंट्रेटा में आने वाले जीव पोरिफेरा कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो भी कमी हो अगर तो आप बार बार उसको कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। भैया आगे देखते हैं, काइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, काइटोलॉजी का मतलब क्या बच्चों, कोशिका विज्ञान, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी तक तो हम जो देख रहे थे वो क्या था, इंट्रोडक्शन की तरह था, अब यहाँ से क्या कहते हैं हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जिकाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, तो सभी हमारे साथ बने रहिए अंत तक प्लीज, तो इसे देखिए अच्छे से। फिर क्या है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, क्या कह रहा है कि सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में गहन अध्ययन करना, लाइफ साइकिल, जीवों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करना, डिवीजन ऑफ सेल, सेलों का वर्गीकरण, ठीक है, क्या विभाजन कैसे होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज मतलब कोशिकांग। तो काइटोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, उनका सेल का डिवीजन कैसे होता है, और कोशिकांग कैसे बनते हैं, कोशिका ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए सेल वर्ड, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, क्या किया गया, बहुत ही बार पूछा गया है, अभी जैसे कि अभी सीजल का एग्जाम हुआ था वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था, जो 7 मार्च का पेपर था वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका शब्द को का नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, और ये भी पूछा गया कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका खोज की, ये दोनों क्वेश्चन क्या थे पेपर में पूछे गए थे। तो जब सीजल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो सेल वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट हुक, तो सेल वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसमें, आप उनकी पुस्तक कौन सी है, माइक्रोग्राफिया में सेल वर्ड का सबसे पहले क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। सेल इज मेड बाय प्रोटोप्लाज्म, क्या कहा गया है, सेल जो होता है वह किसका बना होता है, प्रोटोप्लाज्म नामक पदार्थ का बना होता है। समझ में आया बच्चों, जो सेल होता है वह प्रोटोप्लाज्म नामक पदार्थ का, ऑर्गेनेलीज का बना होता है, कोशिका का बना होता है। इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इससे किसी भी जीव का जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो तुम कोशिका का भी इसे क्या बोल सकते हैं, भौतिक आधार बोल सकते हैं, इसका क्या होता है बहुत ही महत्वपूर्ण महास्थान होता है कोशिका के अंदर। तो
यह कोशिका के अंदर एक जीव में सारी जैविक क्रियाओं को प्रतिपादित करता है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं यह उन सभी को प्रतिपादित करता है। कौन? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव, इसका नाम क्या होता है हिंदी में? जीव द्रव। फिर देखते हैं प्रोटोप्लाज्म वर्ड। प्रोटोप्लाज्म वर्ड मतलब जीव द्रव का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव नाम दिया था। तो अगर बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, किसने बताया था? पुरकिंजे ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? पुरकिंजे ने। आइए देखते, इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोटोप्लाज्म वर्ड, क्या बात कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म वर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो मेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है वह दो भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है। देखते हैं, एक होता है काइटोप्लाज्म। क्या होता है? काइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जो हमारा सेल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है, क्या होता है? एक केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों साइटोप्लाज्म क्या होता है? भरा होता है। पूरे इसमें एक जल की मात्रा की तरह क्या होता है? तो इसमें भरा होता है। किसमें? कोशिका में। तो आइए अभी आगे हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखते क्या है काइटोप्लाज्म। तो इट इज सराउंडेड ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? भरा होता है, मतलब होता है। एंड आल्सो अंडर द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और ये किसके द्वारा घिरा होता है? सेल वॉल के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली, जो किसमें पाई जाती है? ह्यूमन सेल में, जो मानव की कोशिका होती है, जंतु की कोशिका होती है, उसमें क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो पादप की कोशिकाएं होती है, उनमें ट्री और प्लांट होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल, जिसे के बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो अभी हम लोग जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे पादप कोशिका और जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हमें एक अंतर तो यही मिल गया, क्या होता है कि जो ट्री और प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, जो ह्यूमन सेल होती है, एनिमल सेल होती है, उनमें क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर जो अब आइए देखते हैं न्यूक्लियस, किसके बारे में देखते हैं? न्यूक्लियस जो होता है वह सिचुएटेड इन प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? स्थापित होता है। तो जो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी हमने वहां पे देखा था कि जो कोशिका की खोज की थी वो किसको किया था? उसको रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक बोला जाता है। और रॉबर्ट बाउन ने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की खोज की थी। तो जो न्यूक्लियस होता है वह किसके अंदर अंदर होता है? वह प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। और प्रोटोप्लाज्म कोशिका में जीव द्रव्य की तरह पूरी तरह से फैला होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कि जो जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग किसका बना होता है? जल का। तो जीव द्रव्य का जो 80% भाग होता है वो किसका बना होता है? जल का बना होता है। और जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो जो हमारा जीव द्रव्य होता है वह रासायनिक पदार्थों से मिलकर क्या होता है? अधिकतर बना होता है। ठीक है, फिर होता है जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो होता है वह 19:81 होता है। एक बार फिर सुनिए बच्चों, जो जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है वह कितना होता है? 19:81 होता है। क्या कितना होता है? 19:81 होता है। ठीक है, फिर इट इज बेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्या होता है? यह सेल के अंदर होता है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। और इसे क्या बोला जाता है?
कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, किसको, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। समझ में आया, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है सेल, यहाँ पे देखिए एक सेल का हमने क्या लिया है, पिक्चर लिया है, इसमें डिटेल सभी चीजें देखिए। पहले क्या है देखते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसको हमने पढ़ा है, क्या है न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ये देखिए, ये तो साइटोप्लाज्म में देखिए पूरे में भरा हुआ है पानी की तरह, ठीक है, ब्लू कलर से। फिर जो न्यूक्लियस है ये देखिए, न्यूक्लियस एक केंद्र की तरह यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ठीक है, क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। और यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स है जो कि तरबूजे के बीज की तरह क्या है फैले हुए हैं, देखिए आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र में कि राइबोसोम्स पूरे जगह क्या है फैले हुए हैं। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम देखिए यहाँ पे एकदम से गोले के आकार के, छिद्र के आकार के बने हुए हैं, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और लाइसोसोम से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिसे क्या बोला जाता है कि आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है बच्चों, लाइसोसोम को बोला जाता है, किसे बोला जाता है लाइसोसोम को। देखिए फिर यहाँ पे क्या बना है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया ग्रेनम के अंदर इसमें सिक्के नुमा अनुसार की क्या होती है संरचना होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होती है सिक्के नुमा अनुसार की क्या होती है संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है तो माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि किसे कोशिका का घर कहा जाता है, कोशिका का घर किसे कहा जाता है बच्चों, पावर हाउस किसे कहा जाता है बच्चों, इसे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। फिर देखिए सेल मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे कौन सी कोशिका लिए हैं, जंतु कोशिका लिए हैं, जो जंतु कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, जंतु कोशिका चारों क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, किसे बोलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर प्रदीप जालिका, तो इन सब के बारे में क्या करें। फिर देखिए अगली नियम सदस्य क्या है, गोल्गी अपारदर्शी, जिसे बोलते हैं गोल्गी बॉडी, क्या बोलते हैं गोल्जी का या गोल्गी बॉडी बोलते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनलीज हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, आज देखिए जहाँ तक होता है वहाँ पर डिस्कस करते हैं, और अगले अपने लेक्चर्स में जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, जितने प्रमुख कोशिकांग हैं और उसके अन्य भाग है डीएनए है आरएनए है, इनको विस्तार से हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बच्चों अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप हमें, हम अपना नंबर प्रोवाइड कर, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल, अभी देखा सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होती है जो सेल होती है वो क्या होती है, क्या होती है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर मतलब जो होती संरचनात्मक, ठीक है, एंड फंक्शनल, क्या है कार्यात्मक यूनिट इकाई ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोशिका होती है वह सभी जीवों में संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, और यह सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को करता है, कौन सेल, सेल क्या होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, क्या होती है सेल जो होती है वह एक फंक्शनल यूनिट होती है और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, और यह सभी जैविक क्रियाओं को करती है, ठीक है। इसके बारे में देखती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो कोशिका होती है कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है, जैसा कि बात की सजीव, सजीव क्या करते हैं प्रजनन की क्रिया करते हैं, तो अर्थात कोई भी अगर जीव बनता है वह किससे मिलके बना होता है, कोशिकाओं से मिलके बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, उत्तक बना के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से
ऑर्गेनिज्म बनता है, तो जैसे जीव होते हैं, जंतु जैसे पेड़ पौधे, वो सभी क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेल मिला करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें स्वतः प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई स्लाइड एंड स्वान। क्या लिखा है, तो सेल थ्योरी थी कोशिका का सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया था, उन्होंने किसे किया, कौन किसने किया था, स्लाइडन तथा स्वान ने किया था। बच्चों किसने किया था, स्लाइडन तथा स्वान ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम लिया गया है, ठीक है, इसे समझाया कि कैसे एक सेल है, सेल से मिलकर के क्या बना हुआ है, टिश्यू बना है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बना है, ऑर्गन जैसे लीवर है, ठीक है, लीवर है और अग्नाशय है, ठीक है, तो माइंड है, तो सभी क्या है, ये ऑर्गन है। फिर ऑर्गन को मिला के पूरा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, कोशिकांग तंत्र, क्या बनता है, कोशिकांग तंत्र बनता है। फिर और ऑर्गन सिस्टम से मिला करके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया, भाई आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए बेफिक्र आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर हमने एक डिफरेंस लिया कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है, साइज में क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, स्मॉलर होती है, और जो प्लांट सेल होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है। तो बच्चों जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, और प्लांट सेल लार्जर होती है। एनिमल सेल छोटी होती है और प्लांट सेल बड़ी होती है। फिर क्या होता है, नो सेल वाल, जो एनिमल सेल होती है इनमें क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है, तो होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है बच्चों, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल पाया जाता है, ठीक है। तीसरा न्यूक्लियस इन सेंटर, इसमें जो आपका केंद्रक होता है वह क्या होता है, सेंटर में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और जो पादप कोशिका में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, एक साइड में होता है, कहाँ होता है, एक साइड में होता है। फिर जंतु कोशिका में क्या पाए जाते हैं, मिनी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसका मतलब बहुत सारे रिक्तिका पाई जाती है, क्या होती है, खाली जगह पाई जाती है, किसमें, जंतु कोशिका में बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो प्लांट सेल होता है क्या होता है, प्लांट सेल बच्चों होता है उसमें वन वैक्यूल पाया जाता है, एक रिक्तिका पाई जाती है, अर्थात इसमें रिक्तिकाएं ज्यादा पाई जाती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में रिक्तिका कम पाई जाती है। फिर देखिए कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, क्या करते हैं, यह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका क्या कहते हैं, संश्लेषण नहीं करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषणों का संश्लेषण नहीं करते, अर्थात सिंथेसाइज मतलब जो कि सूर्य के प्रकाश से क्रिया होती है उसके द्वारा क्या करते, उससे पोषण नहीं पाते, क्यों, क्योंकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता बच्चों, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, जिसे क्या होते हैं, लवक बोलते हैं, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक, अर्थात जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है, क्या होता है बच्चों, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो कि पादप कोशिकाएं होती है, क्या होती है, पादप कोशिकाएं होती हैं, वह क्या करती हैं, संश्लेषण के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, बनाती, पोषण ग्रहण करती हैं सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करती हैं, सिंथेसाइज की प्रोसेस या प्रक्रिया करती है, कौन, प्लांट सेल। फिर नो प्लास्टोमेडिया, इसको बता चुके, इसमें क्या होते हैं, प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, इसमें क्या होते हैं, लवक पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू टाइप सेल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं,
ठीक है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हम कह सकते हैं जो जीवधारी प्राणी होते हैं उनकी कोशिकाओं को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही तो उसे कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे हमने प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिया हुआ है, जिसमें डिफरेंस के आधार पे क्या करेंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। तो देखिए, साइज ऑफ द सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल का आकार होता है वह कितना होगा, यूकैरियोटिक सेल का आकार होगा वह कितना होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है टाइपिकली उसकी जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना, 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके सेल का जो आकार होता है वह 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होता है। तो बच्चों समझ में आया पहला पॉइंट, साइज ऑफ द सेल। तो सेल का साइज कितना होता है प्रोकैरियोटिक का, 0.2 से लेकर के 2.0 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर तक होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका 10 से लेकर के 100 मीटर तक होता, 100 माइक्रोमीटर तक क्या होता है बच्चों, होता है। फिर एग्जांपल के तौर पे प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है, किन में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया, किसमें, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं में, और आर्किया, आर्किया पौधा टाइप का होता है, उसमें क्या होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, एनिमल्स और प्लांट में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, एनिमल्स और प्लांट में। यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स बहुकोशिकीय जीव है, पादप है, उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, एनिमल्स और प्लांट में, और प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है न्यूक्लियस, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो न्यूक्लियस होगा वह क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल होगी, जो पादप होंगे और जो जंतु होंगे उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तभी हमने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस एक साइड में होता है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो बच्चों ये सब चीजें ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, बार बार आपसे कह रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड इन ऑर्गेनेल्स, क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो किसके द्वारा, ऑर्गेनेल्स के द्वारा क्या होती है, बंद होती है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, अब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन क्या होती है, इनक्लोज्ड होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। जैसे किसमें किसमें, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लाइसोसोम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है बच्चों, पादपों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। गॉल्गी बॉडी जो होती है अंगली नीवा संरचना होती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है कोशिका की। फिर फंजीला, फंजीला क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रोटीन के ब्लॉक्स बनाती है। और जो होती है यूकैरियोटिक सेल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है, और इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, किसमें,
यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर इसके बाद सेल वॉल, जैसे हम पढ़े थे सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी, किसमें प्रेजेंट होगी, तो सेल वॉल जो होती है यूजुअली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। और एक अधिक केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, जो रासायनिक रूप से क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, किसमें, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, यूजुअली प्रेजेंट मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, दस बार तो आप पूछ सकते हैं। फिर है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल ओनली इन प्लांट सेल एंड फंजाई, ओनली इन प्लांट सेल एंड फंजाई में क्या होती है, यह पाई जाती है। केमिकली क्या होती है, सिंपलर, सिंपलर फॉर्म में पाई जाती है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्या होती है, सिंपलर फॉर्म में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्ट्राइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्ट्राइड, तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें नहीं होती है प्रायः, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या होती है, प्रायः होती है। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है और यूकैरियोटिक में होती है। फिर है काइटोप्लाज्म, काइटोप्लाज्म में होता है नो काइटोस्केलेटन और काइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्या होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है और साइटोस्केलेटन किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर राइबोसोम्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, और जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई डाउट हो रहा बच्चे बेशक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो डोंट वरी, आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में आकर के बहुत ही डिटेल से सभी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिर देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक क्रोमोसोम होता है बट नॉट टू क्रोमोसोम, लेकिन अस्त में वो क्या होता है, क्रोमोसोम नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बस समझना है पॉइंट से कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह एक होता है। ठीक है, और इसमें मोर देन वन हो सकते हैं, यूकैरियोटिक में क्या हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें नो माइटोसिस होता है और ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स वनली, जो डीएनए का एक कोशिका से ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े टुकड़ों के रूप में होता है। फिर इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में इन्वॉल्व मियोसिस, क्या होते हैं, जिसमें मियोसिस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हो प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है वह क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। फिर विच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, लोकेटेड होती है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, जो कुछ भी डिस्कशन करना हो, जो कुछ भी पूछना हो, आप बेशक पूछ सकते हैं हमारे लेक्चर्स में। तो ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए अच्छे से, और हम आपको समय समय पे आपको इसी से क्लास लेकर के आएंगे। तो अगली क्लास जो होगी इसके आगे हमारी होगी प्रमुख कोशिकांग होगी कि मेन सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स क्या है, सेलुलोज क्या होता है, पादप क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। तो आप बेशक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको तो मैं दीपक सर टारगेट विथ अभिनंदन के साथ आपके साथ आज बायोलॉजी की क्लास में आपको जो बताया, ठीक है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया डिटेल से। तो अब आप आगे की क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इसके लिए बनने के लिए। तो आज की क्लास यहीं से हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों।